ओम ज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतय देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास्तवादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरेत। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। ओम शांति शांति शांति। जय गोपाल। आइए मेरे प्रिय बहन भाइयों, सत्संग प्रेमी जनों, श्रीमद् भागवत गीता सत्संग समारोह में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा शास्त्र, अद्भुत शास्त्र है। राजविद्या है, विद्याओं में अति पवित्र है, मन के सारे मैलों को धोने वाला शास्त्र है, आपकी भावना को उज्ज्वल बनाने वाला शास्त्र है, आपको परमेश्वर से मिलाने वाला शास्त्र है। क्योंकि ये स्वयं श्री पद्मनाभ भगवान परम विष्णु श्री कृष्ण ने बोला है अपने अत्यंत प्रिय भक्त को। और अत्यंत प्रिय भक्त तो भगवान के मित्रवत होते हैं, मित्र ही होते हैं। अर्जुन उनका मित्र है। जब पवित्रता से कोई भगवान की ओर जाता है, भगवान उसका हाथ थाम लेते हैं। जैसे समाज में एक मित्र दूसरे मित्र का हाथ थामता है, संकट में, सुख में, दुख में, ठीक वैसे ही आपके सुखों के भी साथी भगवान होते हैं और दुखों के भी। तो आइए सत्संग प्रारंभ करते हैं। पिछले सत्संग में
नौवे अध्याय का 27वां श्लोक था। भगवान श्री कृष्ण उपदेश कर रहे हैं अर्जुन को इस श्लोक के माध्यम से। यहां से हम सत्संग प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू जो भी कुछ करता है वह मेरे लिए कर। जो भी कुछ खाता है, करता है, मुझे अर्पण कर। कर्मों का फल मुझे अर्पण कर। जो कुछ तू बनाकर खाता है, सुंदर स्वादिष्ट भोजन, वो मुझे अर्पण कर। कुछ दान दक्षिणा देता है, आहुति देता है, हवन यज्ञ करता है, वाट एवर यू परफॉर्मिंग एक्ट, जस्ट एक्ट फॉर मी। जो भी तुम काम करते हो मेरे लिए करो। अगर कुछ तपते हो तो मेरे लिए तपो, मेरी प्राप्ति के लिए तपो। उस तप को भी मुझे अर्पण करो। इसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण करता हूं आप लोगों के सामने। श्लोक इस प्रकार से है, 27वां श्लोक है नवे अध्याय का। यद करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्, यत् तपस्यसि कौन्ते तत् कुरुष्व मदर्पणम्। मेरे अर्पण करो अर्जुन। इसका खुलासा शब्दों में अर्थ करके समझाता हूं आप लोगों को। यत् करोसि, भगवान कहते कि हे अर्जुन, जो कुछ भी तू करता है वो मुझे अर्पण कर। उसका उसका फल मुझे अर्पण कर। इसका अर्थ क्या निकला? इसका बहुत सीधा अर्थ है, सिर्फ समझने की बात है। क्योंकि आप सब आत्मा हैं और आत्मा की तरक्की तभी है जब भगवान से जुड़ा रहे, भगवान के ध्यान में रहे, भजन में रहे, उनके संतों के सत्संग में रहे, शास्त्रों के संपर्क में रहे, संत पुरुषों की वाणी सुने और सत्कर्म करे। सत्कर्म जो कि इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाले कर्म है, उसको ही योग कहा है, उसको ही योगी कहा है। चाहे वो भक्ति योगी हो, चाहे ध्यान योगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे कर्म योगी हो, योग का मतलब भगवान से जो जिसकी मिलन, जिसका मिलन हो जाए। योग मानी मिलन, एक आत्मा का परमात्मा से मिलन, एक भक्त का भगवान से मिलन। हम काम तो सब करते हैं लेकिन कामों में जागृति नहीं होती हमारी। ये सबसे बड़ी त्रुटि है। इस त्रुटि का निवारण यह श्लोक कर रहा है कि जो कुछ भी आप करते हैं वो जागृत अवस्था में कीजिए। जागृत अवस्था में करेंगे तो आपसे कोई कार्य गलत नहीं होगा। होश में यदि कोई काम करेगा तो गलत कैसे होगा? होश एक ऐसी वस्तु है जिसके पास सभी गुण, सद्गुण सिमट के चले आते हैं चारों तरफ से। बेहोशी एक ऐसी चीज है जहां से सारे सद्गुण भाग जाते हैं। अवेयरनेस, अवेयरनेस में जागृत अवस्था। होश में आप खाते हैं, नहाते हैं, सड़क पर चलते हैं, किसी से बात करते हैं, रात को सोते हैं, बच्चों में उठते बैठते हैं, प्रेम करते हैं, अपने वस्त्र जूते पहनते हैं, इन सभी अवस्थाओं में, अपनी अपनी कर्तव्य फील्ड में, इन सभी अवस्थाओं में आपकी जागृत अवस्था चाहिए। यदि अवस्था जागृत नहीं है, आप मूर्छित हैं, तो सारे कर्म आपके गड़बड़ होंगे, बिगड़ जाएंगे।
सारे कर्म इस आत्मा को तो प्रसन्न कर ही नहीं पाएंगे, फिर परमात्मा को कैसे प्रसन्न करेंगे? अवेयरनेस एक ऐसी वस्तु है, जागृत अवस्था, जिसके पास सभी गुण प्रकट होते हैं। इसलिए आपको अपनी सांसों का भी ख्याल रहना चाहिए कि मेरी सांसें सुखपूर्वक चल रही है या नहीं चल रही है। मैं सो रहा हूं, क्या मैं वास्तव में पूर्ण सुख की नींद सो रहा हूं? किस करवट से सो रहा हूं? कितने बजे होंगे अभी रात के? आपकी स्मृति भगवान श्री के चरण कमलों में है या नहीं सोने के वक्त? आपकी जागृत अवस्था है कि नहीं? आपके हृदय में दीपक जल रहा है या नहीं? दीपक बुझा के सो रहे हैं तो आप मूर्छित होके सो रहे हैं, दीपक जला के सो रहे हैं हृदय रूपी दीपक, लाइट है तो बंद कर देना बेशक, यदि हृदय रूपी दीपक जलाकर सो रहे हैं तो अवश्य आप जागृत अवस्था में सो रहे हैं। जागृत जब होश में व्यक्ति काम करता है तो गलत कदम नहीं उठाता। जिसको जागृत अवस्था है, जिसका दीपक जला हुआ है, वो नहीं कदम उठाता शराब पीने के लिए, मांस खाने के लिए, चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए। वो झूठ भी नहीं बोलता, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहता। वो चैतन्य है, जागा हुआ है, वो जानता है झूठ बोलने से मेरी भावना दूषित होगी और दुर्गुण मेरे पास चले आएंगे। वो जानता है चोरी करने से, डाका डालने से मेरी भावना कलुषित होगी और सारे बुरे विचार मेरे घर में आके इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे मैं अगला कार्य और भी घटित करूंगा, नीच करूंगा। मूर्छित अवस्था में सारे पाप होते हैं, जागृत अवस्था में सारे कर्म पूर्ण होते हैं। आपका नहाना भी पूर्ण होता है, फिर आपका खाना भी पूर्ण होता है, और जो कर्म आपकी आगे की तरक्की को रोके, भौतिक तरक्की की बात नहीं है, आध्यात्मिकता की और आपके विकास को रोके, वो कर्म आप मत कीजिए। जो कर्म भगवान की ओर आपके कदम बढ़ाते हो, उन कर्मों को कीजिए। ये भगवान को अर्पण करना है कर्मों का फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कर्मों का जो फल आया उसको भगवान को अर्पण करो। आप स्वतः ही सत्कर्म करेंगे, उस फल से आपके सारे कर्म सत्कर्म होंगे। जो सत्कर्म होंगे वो भगवान को ही अर्पण होंगे। सत्कर्म ही तो सत्य को अर्पण होते हैं। सत्य पर भगवान का, परमात्मा का दूसरा नाम है। दुष्कर्म सत्य को अर्पण नहीं होते, झूठ को अर्पण होते हैं। दुष्कर्म झूठों को अर्पण होते हैं। बुरे कर्म करने वाले अपने बॉस को कर्मों को अर्पण करते हैं। गैंगस्टर्स होते हैं सिटीज के अंदर, वो दुष्कर्म करते हैं, किसी का कत्ल कर देते हैं, किसी का घर जला देते हैं, किसी का पांव तोड़ देते हैं, किसी की आंख फोड़ देते हैं। वो बॉस को अर्पण करते हैं अपने कर्मों को। उनका जो भाई, दादा भाई होता है, लीडर ऑफ द गैंग, उसको अर्पण करते हैं, नराधम को अर्पण करते हैं, नराधम को पूछते हैं, नैमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। मूर्छित अवस्था में रहने वाला व्यक्ति मुझे नहीं पूछता अर्जुन, वो नराधमों को पूछता है। जो नीच कर्म करने वाले हैं वही उसके ईश्वर होते हैं, वही उसके बॉस होते हैं, उन्हीं को पूछता रहता है। तो बचिए, सत्कर्म कीजिए, वो कृष्ण को अर्पण होंगे, परमेश्वर को अर्पण होंगे, परमात्मा को अर्पण होंगे, और आपकी भावना में परमात्मा समाहित होंगे, आप गॉड कॉन्शियसनेस होंगे, भगवत भावित होंगे, कृष्णा कॉन्शियसनेस व्यक्ति कृष्ण को मिलता है, भगवत भावित व्यक्ति कृष्ण को मिलता है, भगवान को मिलता है।
नराधम भावना वाला व्यक्ति थोड़े कैसे मिलेगा, वो नराधम को मिलेगा, अधम नर को मिलेगा, उसके बॉस को मिलेगा जो बदमाश है शहर का, उसकी भावना उसी के चरण कमलों में है। चरण कमल तो नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए धतूरा चरण कहना चाहिए, धतूरा चरण, कमल चरण तो भगवान के ही होते हैं, तो उसके धतूरा चरण होते हैं जो असुर है, राक्षस है, पॉइजनिश चरण जिसको कहते हैं। धतूरे का फूल क्या है, पॉइजन है फल भी। यत करोसी हे अर्जुन, जो तू कुछ करता है वो मेरे लिए कर, यानी जिस कर्म को करने में इस सेल्फ की यानी आत्मा की तरक्की होती हो ऐसे कर्म कर, मुझे अर्पण कर, तो अर्पण तो अपने आप हो जाएंगी। फिर जो व्यक्ति सत्कर्म करेगा, जो अपनी आध्यात्मिक तरक्की के लिए पचेगा, उठते बैठते खाते पीते नाते बाजार जाते किसी से बात करते, वो व्यक्ति जो बात भी करेगा तो भगवान के प्रति करेगा, सत्यता की बातें करेगा, झूठे संसार के टॉपिक्स को, पॉलिटिशियंस के टॉपिक्स को लेकर बात नहीं करेगा। वो भगवान के भावना में भरा हुआ व्यक्ति सदैव भगवत भावित बात करेगा, उसको ग्लोरीफाई करेगा, ईश्वर की जय जय करेगा। वो कर्म करेगा वो सत्य कर्म होंगे, और जो कर्म उसकी भावना को शुद्ध करने के लिए अवरोधन पैदा नहीं करते हो ऐसे कर्म करेगा, जो ऐसे कर्मों का फल आएगा तो वो तो भगवान को ही अर्पण हो गया, सत्य को ही अर्पण हो गया। सत्कर्मों का फल सत्य को ही अर्पण हो जाता है, लेकिन सत्कर्म होते अवेयर अवस्था में, अवेयरनेस में, जागृत अवस्था में। तो आप होश में जीवन जिए तो आप सत्कर्म करेंगे, बुरे कर्म नहीं करेंगे। फिर कैसे किसी गाय को काट पीट के खाओगे, कैसे किसी जीव को सताओगे, नहीं सता सकते। आपको ज्ञान होता है पूरी तरह कि ये भी मेरी तरह आत्मा है, इनको भी, इनके हृदय में भी वही क्रियाएं होती हैं जो मेरे हृदय में होती हैं, इनको भी दुख होता है, इनके भी आंसू आते हैं, इनको भी भय लगता है, ये भी बच्चे पैदा करते हैं, उनको पालते हैं, बड़ा करते हैं, ये भी सोते हैं जगते हैं मेरी तरह, इनको भी भूख प्यास लगती है मेरी तरह, मैं क्यों इन जीवों को सताऊं। उस ये होश में होता है सारा काम, होश में दया क्षमा सत्य सभी आपके हृदय में प्रकट होती हैं, सारे सद्गुण आपके हृदय में प्रकट होते हैं। इनकी कुंजी है जागृत अवस्था, होश में आपको हर चीज का, हर चीज होश में करनी चाहिए, खाना भी होश में, जीना भी होश में चाहिए, जीवन को जीना होश में चाहिए। अपनी दफ्तर में दुकान पे जाते हैं आप, आपकी चाल ढाल भी होश में होनी चाहिए, कहाँ चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, आपको पूरा पता रहना चाहिए इस बात का, किससे बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, क्या लूटने खसोटने की बात तो नहीं कर रहे हैं किसी से। कोई ग्राहक आपके पास आया, क्या उसे प्रेम से बात कर रहे हैं या उसको ठगी की बात कर रहे हैं उसके साथ, नहीं। सत्य का सहारा लेकर जीवन जीने वाला सत्य को खुश कर लेता है, जो सत्य के साथ चलता है वो जागृत है, या कहिए कि जागृत प्राणी झूठ की ओर कदम नहीं बढ़ाता, सत्य की ओर कदम बढ़ाता है। तो होश में आके खान पान कीजिए,
होश में आके प्रेम कीजिए। प्रेम भी होश में ही होता है, बेहोशी में नहीं होता। बेहोशी में लोग लिख देते हैं, टेलीफोन से मैसेज देते रहते हैं, आई लव यू उठा के वो रेडीमेड रखा रहता है एक सेंटेंस, उसको बस क्लिक करके रख देते हैं, आई लव यू आई मिस यू। ये होश में नहीं है। अगर होश आपको होगा तो आप इसके लिखने की भी आवश्यकता नहीं समझेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति प्रेम तो आपका स्वभाव है, प्रेम तो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव नफरत नहीं है। जब आप प्रेम करते ही हैं, प्रेम जब आपका स्वभाव ही है, तो आप एक व्यक्ति को या दो व्यक्ति को या माता पिताओं को प्रेम थोड़ी करते हैं, या अपनी पत्नी को भी प्रेम थोड़ी करते हैं, या अपने बच्चों को भी प्रेम थोड़ी करते हैं, आप तो प्रेम करते हैं। प्रेम आपकी नेचर है, आपकी ओरिजिनल पोजिशन है, आप प्रेम स्वरूपा है, आप सत्य स्वरूपा है, आप ज्ञान स्वरूपा है, आप क्षमा स्वरूपा है। ये चार स्वरूप है आपके आत्मा के। प्रेम आपका स्वभाव है। तो प्रेम आपका स्वभाव है तो कैसे आप एक को और दो को प्रेम करेंगे? आप तो आपका तो आप प्रेम बरसा रहे होंगे, जय इंद्र महाराज बारिश बरसाते हैं, ठीक वैसे ही सामने चाहे पेड़ हो, पौधे हो, पशु हो, पक्षी हो, जन मानव हो, देवी देवता हो, या परमेश्वर हो, ईश्वर हो, प्रेम आपका स्वभाव है। और ये प्रेम नाम वस्तु जागृत अवस्था में पहचानी जाती है। यूं कहिए कि जागृत अवस्था में आप हर वस्तु को पहचान जाते हैं। होश में यदि आप जीवन जीते हैं तो हर वस्तु को ठीक ठीक जैसी वो वस्तु है ऐसा जान जाते हैं। बेहोशी में आदमी थोड़ी समझ सकता है इन चीजों को। बेहोशी में उसको मालूम नहीं है कि सिगार सिगरेट मेरे कैंसर कर सकती है, मेरे मुंह से बदबू आती है, दूसरे बच्चों को पड़ोसियों को और चलते फिरते रोड पर भी जो चल उनको भी तकलीफ होती है धुआं से। आप धुआं फेंकते जा रहे हैं पुरानी रेलों की तरह, पीछे से आने वाले लोगों को वो धुआं रिसीव होती है, वो अपने नाक सिका के आगे हाथ को ऐसे करते हैं, फिर भी आपको होश नहीं है कि किसी व्यक्ति को मैंने तकलीफ दी। मूर्छा में जीवन जीते हैं। जो होश आपको होगा तो आप किसी का वध नहीं करेंगे, किसी पशु का पक्षी का। आप जानते हैं सुंदर पक्षी हैं, सुंदर पशु हैं, सुंदर हिरण हैं, सुंदर गौ माताएं हैं, ये हमको लाभ देती हैं, पूरे समाज को लाभ देने वाले हैं ये पशु और पक्षी। भगवान ने प्रत्येक वस्तु को किसी कारण से इस जमीन पर पैदा किया है, यहां तक कि जहर को भी, जहर से भी विशेष विशेष बीमारियां ठीक होती हैं। जहर आत्महत्या करने के लिए भगवान ने नहीं बनाया, वो तो आत्महत्या तो हम किसी भी रूप से कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी है जहर खा के ही करें। आत्महत्या करने के लिए तो कोई फंदा बना लो और लटक जाओ सीलिंग छत से, जंप मार दो 12 मंजिल से समुद्र में ट्रेन के नीचे। आत्महत्या करने के तो साधन स्वयं खोज लेता है मूर्छित व्यक्ति। जागृत अवस्था में रहने वाला आत्महत्या नहीं करता। जागृत रहने वाला व्यक्ति लंबी आयु जीता है और जीना चाहता है, क्योंकि जितनी लंबी आयु मनुष्य जिएगा उतनी संसार के और परमात्मा के अपने आप के अनुभव उसे ज्यादा होते हैं। जो व्यक्ति छोटी आयु मर जाते हैं उनको फिर उसी स्तर से जन्म लेना पड़ता है
जिस स्तर पर उन्होंने शरीर को त्यागा, जिस भावना से, जिस भावना में उन्होंने शरीर को त्यागा, लेकिन जिनकी भावना ज्यादा लंबी उम्र पाकर के निखार पर आई है, कुछ रियलाइजेशंस और अधिक हुए हैं, कुछ अनुभव हुए हैं कि क्या क्या सत्य है क्या असत्य है, और ज्यादा उम्र वाला सत्य की ओर आकर्षित होने लगता है, इसमें संदेह नहीं है। जवान अवस्था अंधी होती है, आदमी मूर्छा में जीता है, इसमें भी संदेह नहीं है। अक्सर तो मेन निवेदन मेरा है आप लोगों से कि आप जो भी कुछ करते हैं वो होश में कीजिए, तो होश में आप गलत कार्य नहीं करेंगे, ये मैं अवश्य आपको कहता हूं। आपको होश होगा तो आप चोरी नहीं करेंगे, डाका नहीं डालेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे। आपको पता होगा कि इसका परिणाम गलत आता है, किसी को मारेंगे पीटेंगे नहीं, किसी को गाली गलौच नहीं निकालेंगे, होश में होंगे तो। फिर क्यों आप सुरा और सुंदरियों के चक्कर में पड़ेंगे? अपनी पत्नी को सजा धजा के उनके साथ रहेंगे? अपने बच्चों से प्रेम करते हैं ऐसा पड़ोसी के बच्चों से भी प्रेम करेंगे? प्रेम आपका स्वभाव है, लेकिन ये सब होश में होता है, बेहोशी में नहीं। बेहोश होके तो लोग वैश्याओं के पास जाते हैं और उनसे भी कहते हैं आई लव यू। बेहोश होके विस्की की बोतल को किस करते हैं और कहते हैं आई लव यू विस्की। चार आदमी हंसते हैं उसके साथ वाले कि हा हा क्या प्रेमी है विस्की का। ये प्रेम प्रेम नहीं, ये मूर्छित अवस्था है। प्रेम होगा तब तो सभी से आपका प्रेम हुआ। प्रेम आपका स्वभाव है, होश आपका स्वभाव है। आप भूल गए हैं होश को, इसलिए थोड़ी मूर्छित अवस्था है। मूर्छित अवस्था के कारण हम सोच नहीं पाते क्या ठीक है क्या बुरा है, इसलिए हम कुछ भी करने शुरू कर देते हैं। फिर क्यों नहीं व्यक्ति ऑर्डर देगा कि कल मुझे 5 क्विंटल बीफ चाहिए रेस्टोरेंट के लिए। होश में नहीं है तो आदेश करता है, ऑर्डर करता है, कलम उठाने की देर है, प्लीज ब्रिंग 5 क्विंटल बीफ टुमारो। सप्लायर को बोलेगा वो सप्लाई कर देगा। होश में नहीं है कि ये 5 क्विंटल बीफ कहां से आ रहा है। एक दूध देने वाली माता को, गाय को जो भयभीत हो रही है, उसको जबरदस्ती मारा जाता है, उसके 2 टुकड़े किए जाते हैं और उसको बाजार में बिकने आ जाता है मांस। ये होश, ये मूर्छित अवस्था में, मूर्छित अवस्था में जब जब सोसाइटी रहेगी तब तक तमोगुण में रहेगी। और आज हालत ऐसी ही है समाज की, ऑलमोस्ट अराउंड द वर्ल्ड समाज मूर्छित है, होश में नहीं है, चैतन्यता में नहीं है, अचेतन है। भगवान चैतन्यता की बात कर रहे हैं। चैतन्यता में जो भी अर्जुन तू कुछ करेगा वो मुझे अर्पण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सत्कर्म करेगा, सत्कर्म का फल सत सच्चा ही फल आएगा, मीठा फल आएगा, स्वादिष्ट फल आएगा, और उस फल को जरूर तो सत्कर्मों में ही अर्पण करेगा, मुझे ही अर्पण करेगा। सारे सत्कर्म सत्कर्म मेरे लिए होते हैं। जिन कर्मों को करने से आपकी भावना शुद्धता पर, निखार पर नहीं आ रही हो, वो असत्कर्म है, और जिन कर्मों को करने से आपकी भावना शुद्धतम होती जा रही है दिन प्रतिदिन, वो सत्कर्म है।